जी सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली रज़ा व्लॉग्स। दोस्तों ये तीनों बुतों को मेरे बाहर निकाला हुआ सुर्खों का ना, क्योंकि मसला ये था कि सुर्ख जो अंडे थे ना दोस्तों, वो मैंने कल चेक किए थे तो ख़राब निकले थे, बच्चे बने थे लेकिन ना ख़राब हो चुके थे अंडे, तो मैंने वो फिर तोड़ के ना फेंक दिए थे, फ़ायदा नहीं था फिर। और साथ में जो उनका क्रेट अंदर पड़ा था वो भी मैंने उठा दिया, जैसे मादी को अंदर मैंने बंद करके रखा हुआ था। ये देखिए मेरा बॉक्स पड़ा हुआ है, अगर इन्होंने ब्रीड स्टार्ट की तो फिर बॉक्स में ही करेंगे, अदरवाइज तो बाकी सारे पेंदे इधर ही हैं। क्योंकि दोस्तों मौसम भी वैसा चल रहा आजकल, तो मादियाँ जो हैं वो ज़्यादा देर बैठती नहीं हैं अंडों के ऊपर, गर्मी की वजह से उठ जाती हैं, कभी बैठती हैं कभी नहीं बैठती, इस वजह से अंडे ना जो है ठंडे हो जाते हैं। आज दोस्तों इनको स्पेशल स्पेशल डाइट देने लगा, उसमें ये है कि चावल है नमकीन, साथ में ना बॉयल एग के ना जो छिलके होते हैं ना उसको पीस के रखा हुआ, वो खिलाऊंगा इनको ना। कल परसों की बात है, मैंने बॉयल एग के ना छिलके एक शॉपर में डाल के ना धूमे सूखने के लिए छत पे रखे थे, उधर करके ना उसके साथ वो फटे के साथ लटका दिया था मैंने, तो हुआ कि उस तरह से सुबह में डाल, मुझे याद आया मैं डालने लगा हूँ, देखा तो शॉपर ही खाली था, वो शॉपर ही दोस्तों खाली था, बहुत कम छिलके होंगे पीसे हुए जो उसके अंदर पड़े होंगे, बाकी जो थे ना कौवे वगैरह या पता नहीं कौन से परिंदे आए हैं वो खा गए हैं, पता नहीं जंगली कबूतर आए हैं या कौन से आए हैं उन्होंने खा लिए। खैर अभी देखिए चावल माशाल्लाह खा रहे हैं, आप भी दोस्तों खिलाया करें चावल इनको, काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं इनके लिए। देखिए छोटे से लेके बड़े तक सारे मज़े से खा रहे हैं माशाल्लाह से। अभी दाना नहीं इनको डाला, दाना डालूंगा कोई 10-15 मिनट के बाद में, ताकि ये पानी वगैरह इसके ऊपर से पी लेंगे, उसके बाद जो है ना दाना वगैरह डालूंगा इनको माशाल्लाह से। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो भाई चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा, बाकी जितने आपको नज़र आ रहे हैं ना छिलके वाइट वाइट ये सारे जो है ना बाद थोड़ी देर में गायब हो जाएंगे, गए खा पी लेंगे सारे। ये जो अंडों से बंद मादी होती है ना इनके लिए बहुत बेनिफिट होता है, और अंडे उतारने के बाद अब समाधि जो होती है ना टांगों पे खड़ा नहीं हो सकती, कैल्शियम कमी की वजह से होता है वो, क्योंकि कैल्शियम पी का सिरप इस्तेमाल करवा रहे हैं उनको, और साथ में जो है ना चावल वगैरह या जो बॉयल एग के जो होते हैं छिलके वगैरह वो भी इस्तेमाल करवा रहे हैं, वो भी बेहतर है साथ में। जो कवा ऊपर आ बैठा है इस वीडियो डरे ना बाकी परिंदे, ये देखिए सारे माशाल्लाह से ना बारी बारी ये खा रहे हैं छिलके, ये देखिए ये बड़े शौक से खाते हैं छिलके माशाल्लाह, चेक करें जिस कबूतर को दिखाऊंगा वही खा रहा होगा छिलके वगैरह ना, ये मादी है छिलके खा रही हैं, ये मादी नर है, ये फैंसी, ये देखें हर कबूतर माशाल्लाह से मेरा जो है ना छिलके बड़े शौक से खाता, बच्चे भी बड़े भी सारे। हाँ भी दोस्तों इस्तेमाल करवाएँ और फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा इसका। ये कि कबूतर स्टार्ट में इनको खिलाना पड़ता है, यानी कि रखेंगे एक दो बार नहीं भी खाएंगे, लेकिन उसके बाद इनको जब डालते रहेंगे ना इनकी आदत हो जाएगी, हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए इनको, फिर जो है ना ये हेल्दी एक्टिव रहेंगे। अब इनको इस तरह फिरने दें, थोड़ी देर पानी पी लेंगे, ये पानी में फ्रेश जो है ना मोटर का पानी ताज़ा वो लेके आया हूँ, वो पी लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह से इनको ना फिर दाना वगैरह डालूँगा। पर बैठ गए, ये माती है दोस्तों आउटस्टैंडिंग माती है, ये भी 9-10 कली की हो गई है, बिल्कुल छोटे से मौजूद की माती है ये, ये बताइए आप क्या खा रहे हैं। खैर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो भाई चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा,
तो आज की वीडियो भाई दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, बाकी थोड़ी देर तक मैं दाना डालता हूँ इनको। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।